हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के करंट अफेयर्स के वीडियो में। और आज है 8 दिसंबर 2018। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आप हमारी वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारी examguruji.in। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो पूरा कलेवर है वो बदल दिया गया है। हमारा जो एग्जाम गुरुजी का लोगो है, नया लोगो यहाँ पर लॉन्च किया गया, तो इस लोगो को याद कर लीजिए। ये अब हमारा नया लोगो है और ये हमारी कलर थीम होगी पूरी की पूरी। टी शर्ट भी हमारी जो है लाइव वीडियोस के लिए अब चेंज कर दी गई है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। शुरू करते वीडियो, उससे पहले हमारी एमपीएसआई 2019 की टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी। जो टेस्ट सीरीज है 15 दिसंबर 2018 से स्टार्ट हो जाएगी। लाइव टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और 15 दिसंबर तक के लिए 497 रुपये में अवेलेबल है। उसके बाद फीस इंक्रीज हो जाएगी। 100+ स्टूडेंट 2 दिन के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं, तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। कुल 110 टेस्ट इसमें होंगे। 7,500 से ज्यादा एमसीक्यूज कवर किए जाएंगे। जिस तरह से पीएससी की चल रही है, उसी तरीके से टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। और पीएससी की टेस्ट सीरीज के बारे में तो आपको जानकारी है, 575 रुपये में अवेलेबल है। 2,000+ स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, तो ये भी आप हमारी वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का रिविजन करेंगे। पहला प्रश्न के प्रधानमंत्री कब भारत के सबसे लंबे रेल पुल जो बोगीवेल पुल है उसका उद्घाटन करेंगे, और इसका उद्घाटन किया जाएगा 25 दिसंबर को। वहीं दूसरा प्रश्न है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मृदा दिवस जो मनाया जाता है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, देश के सबसे बड़े, सबसे भारी और शक्तिशाली उपग्रह का नाम क्या है जिसे फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है, और उसका नाम है G-SAT-11। और ये कम्युनिकेशन के लिए, खासकर ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में काफी इंपॉर्टेंट माइल जो है माइलस्टोन साबित होगा। चौथा प्रश्न है कि भारत आसियान इनोटेक शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, और ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। पांचवा प्रश्न है, भारत सरकार ने वाहनों के लिए दोहरे ईंधन के उपयोग को अधिसूचित किया है, और किन के लिए अधिसूचित किया है, तो कृषि, निर्माण और उपकरण वाहन है उन सब के लिए। और आपका छठवां प्रश्न है, छठवां प्रश्न पूछता है आपसे कि फोर्ब्स की सबसे अमीर भारतीय सेलिब्रिटी की सूची 2018 में शीर्ष पर कौन है, नंबर 1 पर कौन है, तो सलमान खान जो है लगातार 3 साल से इसमें नंबर 1 पर बने हुए हैं। सातवां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 दिसंबर 2018 को रेपो दर को कितना प्रतिशत रखा है, तो इसको 6.5% रखा है, यानी अपरिवर्तित है, कोई चेंज नहीं किया गया है। आठवां प्रश्न, किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस का CMD नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किए गए हैं अतुल सहाय, जो कि अभी तक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड थे, उसके प्रमुख थे। नवा प्रश्न, ई भुगतान सुविधा प्राप्त करने वाला देश का पहला कोर्ट कौन सा बन गया है, तो ये कोर्ट बन गया है पुणे का कोर्ट। ठीक है, पुणे की अदालत जो है वो पहली कोर्ट बन गई है। दसवां प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट पहल की शुरुआत की, गाँव के लिए एक्चुअल में ये पहल है, और ये शुरुआत की है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, देवेंद्र फडणवीस साहब ने। वहीं छठवां प्रश्न आपके सामने है कि किसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी डिजिटल ऐप जिसका नाम है योनो, योनो के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बनाया गया है स्वप्ना बर्मन को, जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। और बारहवां प्रश्न है कि किसे हिंदी में उपन्यास है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपरा, इसके लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा जाएगा, तो ये है चित्रा मगदल, जिनको इसके लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाएगा हिंदी भाषा के लिए। और 13वां प्रश्न है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में 3 मार्गों पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो ये पहले भारतीय तुहिन सत्कर। वहीं 14वें प्रश्न की बात करें तो आईपीएल टीम डेयर डेविल्स का नाम बदलकर, दिल्ली डेयर डेविल्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, क्या हो गया, तो अब ये नाम हो गया है दिल्ली कैपिटल्स। वहीं 15वां प्रश्न है कि किस पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, और ये घोषणा की गई है गौतम गंभीर जी के द्वारा। तो ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्न। अब हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और प्रश्न में लाने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, कृपया आप, बड़ी मेहनत करके वीडियो आपके तैयार करते हैं, तो कम से कम लाइक करें और शेयर तो जरूर कर दें। जितने लाइक हो कम से कम उतने शेयर हो, और जितने लाइक हो उतने मुझे आंसर भी चाहिए। ये मेरी, क्योंकि वीडियो मेहनत से तैयार करते हैं तो उतने ही आंसर, सिर्फ लाइक करने से काम नहीं चलेगा। आंसर प्रश्न पूछा जाता है वीडियो के लास्ट में, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए कैबिनेट ने किस नीति को मंजूरी दी है, तो कैबिनेट ने एक नई नीति को मंजूरी दी है किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए, और उस नीति का नाम है कृषि निर्यात नीति। ए ऑप्शन सही है, कृषि निर्यात नीति, इस नीति को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है।
अब इसकी डिटेल देखिए कि आखिर ये नीति क्या है और क्या मंजूरी दी गई है। पहली चीज क्या और क्यों, तो कृषि क्षेत्र का निर्यात 2022 तक दोगुना करके 60 अरब डॉलर इसको पहुंचाने का लक्ष्य सामने रखा हुआ है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दी है। ये नीति का जो मकसद है, मकसद क्षेत्र जो है, मेन जो क्षेत्र है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि निर्यात करते हैं, वो चाय है, कॉफी है, चावल है और अन्य जो चीजें जिनका हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का काम करेगा। और इस नीति में जैविक उत्पाद जो होते हैं, ठीक है, जैविक उत्पादों के निर्यात पर जो सभी तरह के प्रतिबंध हैं उन पर भी हटाने पर भी जोर दिया गया है। तो ये तीन चीजें इसके अंदर आपको याद रखनी है। और किसने निर्णय लिया है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। बी ऑप्शन इसका सही है, 7 दिसंबर, राइट। ये इसका चेंज हो जाएगा, ये नीचे का 9 दिसंबर ऑप्शन है, तो 7 दिसंबर इसका सही आंसर है। इसकी डिटेल देखिए क्या है, ये पहली चीज, पहला प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए किसी चीज के, कि सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो ये दिवस जो है जावा जो हमारे सैनिक हैं और उनके परिजनों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए और उनके कल्याण में अपना योगदान, याद रखिए कल्याण में योगदान देने के लिए। अब कैसे हम कल्याण में योगदान देते हैं, इससे क्या होता है कि इस प्रकार के स्टिकर बैजेस वगैरह बांटे जाते हैं और उससे एक निर्धारित राशि आपसे ली जाती है और उस राशि को एकत्रित करके झंडा राशि को एकत्रित करके झंडा दिवस कोष में जमा कर दिया जाता है और शहीदों के जो परिजन होते हैं सैनिक कल्याण के लिए उस राशि को खर्च किया जाता है। तो ये दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को, सशस्त्र बल झंडा दिवस। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी, तो इसके लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है, तो इसके लिए 3,660 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। इसकी डिटेल देखिए, पहली चीज दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि आखिर यह है क्या, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल प्रणालियों का एक राष्ट्रीय मिशन जिसका नाम है NMICPS, इसको मंजूरी दे दी गई है और इसमें 5 सालों के लिए अगले 3,660 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है उसको वो जो है इसको लागू करने का काम करेगा। बात करेंगे अब हम तीसरे चौथे प्रश्न की, चौथा प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब में किस नदी पर शाहपुर किंदी बांध, ठीक है, शाहपुर किंदी बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है और ये बांध बनाया जाएगा रावी नदी पर। डी ऑप्शन इसका सही है, रावी नदी जिस पर यह बांध बनाया जाएगा, कौन सा बांध, शाहपुर किंडी बांध। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है, पहली चीज क्या बनाया जाएगा और किसने निर्णय लिया है, तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि पंजाब में रावी नदी पर शाहपुर किंडी बांध के निर्माण को मंजूरी दी। विशेष क्या है, इस बांध के निर्माण से पाकिस्तान को नुकसान होगा क्योंकि उसके पास पानी कम पहुंचेगा और वर्तमान में पाकिस्तान को रावी नदी से मिलने वाले पानी में कमी आएगी। इससे भारत को क्या फायदा है कि इसकी परियोजना से मधुपुर हेडवर्क से होते हुए पाकिस्तान में जो फालतू पानी बह जाता है उस पानी को रोककर जो है पंजाब के क्षेत्र में यूज किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोनों जगह की, पहले पंजाब की भी और रावी नदी की बात करेंगे। पंजाब की राजधानी क्या, तो चंडीगढ़ जो है पंजाब की राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं के कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस की सरकार है, राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर, तो ये याद रखिएगा। वहीं रावी नदी की बात कर लें, उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में और कांगड़ा जिले में भी रोहतांग दर्रे से, पाकिस्तान से बहती हुई कहाँ मिल जाती है ये, तो झांग जिला है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर चिनाब नदी में मिल जाती है। 720 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और पौराणिक या वैदिक समय में इसका नाम पुरुषुनी या इरावती मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या मिलता है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी सारी चीजें की जानकारी मिल गई है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न है पांचवा आपके सामने कि FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो भारत ने प्रस्ताव दिया था जिसको मैंने करंट अफेयर में पहले बताया था, भी था ये दिया था अंतर्राष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष के रूप में, तो ए ऑप्शन इसको सही है। तो अब
ये 2023 जो है वो किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। भारत ने प्रस्ताव दिया था, प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसकी डिटेल देखिए क्या है कि किसने और क्या किया है। तो रोम में जो खाद्य और कृषि संगठन है FAO, उसकी परिषद ने 160वें सत्र की बैठक हुई थी, इसमें निर्णय लिया है कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा ज्वार दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और भारत का प्रस्ताव था जिसको स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त FAO की परिषद ने 2020 और 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP इसके लिए कार्यकारी बोर्ड बनाया है, और उस कार्यकारी बोर्ड में भारत की सदस्यता को भी स्वीकृति दी गई है। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे हम परीक्षा दृष्टि में, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय इसका रोम में है जो कि इटली की राजधानी है, और सदस्य देशों की संख्या 194 है। अब बात करेंगे पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, छठवां प्रश्न, कि फोर्ब्स पत्रिका की दुनिया की 100 ताकत पर महिलाओं में भारत की कितनी महिलाओं का नाम शामिल है। तो भारत की इसमें 4 महिलाएं शामिल है। कितनी महिलाएं शामिल है? 4 महिलाएं भारत की शामिल है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। यहां पर आप तस्वीर में इन चारों महिलाओं को देख सकते हैं, कौन कौन है मैं इनकी डिटेल बताता हूं। पहली चीज क्या, तो फोर्ब्स पत्रिका की दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की गई है, और इस सूची के अंदर भारत की कितनी महिलाएं शामिल है? भारत की 4 महिलाओं का नाम इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन शामिल है? तो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा, 51वें स्थान पर है। भारत की भारतीयों की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर भारतीयों में यही है। जे प्रौद्योगिकी क्षेत्र की है किरण मजूमदार, ये 60वें स्थान पर है, किरण मजूमदार शॉ। मीडिया क्षेत्र की शोभना भरतिया, ये 88वें स्थान पर है, और अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा, 94वें स्थान पर इनका नाम लिया गया है। तो ये हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है, 4 भारतीय। नंबर 1 पर कौन है, अब आपके दिमाग में आना चाहिए, तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल लगातार 8वें साल इसमें नंबर 1 पर बनी हुई है। नंबर 2 पर है थेरेसा मे जो कि प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन की, और तीसरे पर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना लेगार्ड, राइट, याद रखिएगा IMF की क्रिस्टीना लेगार्ड नंबर 3 पर है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला 7वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसकी नियुक्ति की है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, याद रखिए कंफ्यूज मत होइएगा नाम से बिल्कुल भी, इनका नाम कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, जबकि पहले जो थे इनके पहले वो थे अरविंद सुब्रमण्यम, तो वो अलग हैं और ये अलग हैं। इनकी डिटेल देख लीजिए क्या है, पहली चीज किसे और क्या नियुक्त किया गया है। तो सरकार ने डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। जुलाई में अरविंद सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद से ये पद खाली था, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का इनका कार्यकाल होगा? 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा, और वर्तमान में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में ये काम कर रहे हैं। इनकी विशेषज्ञता किस मामले में? तो बैंकिंग, कॉरपोरेट प्रशासन और आर्थिक नीति में दुनिया में अग्रणी विशेषज्ञों में इनकी गिनती की जाती है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है कि वार्षिक स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा नाम, वार्षिक स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल शिखर सम्मेलन 2018, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है गोवा में, सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर देखिए गोवा में 2018 में इसकी समिट हो रही है 7 दिसंबर से। इसकी डिटेल देखिए क्या है, क्या है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? सुरेश प्रभु जी, उन्होंने गोवा सरकार और गोवा सरकार की जो औद्योगिक और नीति संवर्धन विभाग है, उसने गोवा में वार्षिक स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अभी सम्मेलन क्या है? तो इसका विषय था मोबिलाइजिंग ग्लोबल कैपिटल फॉर इनोवेशन इन इंडिया, ये इसका सब्जेक्ट था। उद्देश्य क्या था कि दुनिया भर से जो निवेश के लिए, वेंचर कैपिटल किसको कहा जाता है? वेंचर कैपिटल यानी कि जो जो स्टार्टअप वगैरह होते हैं उसमें निवेश जो करता है, राइट, तो वेंचर कैपिटल के लिए व्यवस्था की गई है। तो दुनिया भर से निवेश के लिए भारतीय स्टार्टअप अवसर का प्रदर्शन किया जाएगा कि भारत में काफ़ी अवसर हैं, दुनिया भर के जो पैसा लगाने वाले निवेशक हैं वो भारत में अपना पैसा लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के मनोहर पर्रिकर और राज्यपाल हैं मृदुला सिन्हा। तो ये आपको गोवा के बारे में याद रखना है।
बात करेंगे नवे प्रश्न की। नवा प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि किस मंत्रालय को राष्ट्रीय महत्व के लिए स्कॉच पुरस्कार मिला है। तो स्कॉच पुरस्कार किस मंत्रालय को दिया गया है? तो ये दिया गया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, यानी डी ऑप्शन इसका सही है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। अब इसकी डिटेल देखिए, पहली चीज क्यों भी दिया गया ये भी हम बात करेंगे कि किसे और क्या दिया है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये जो नई इसको नई दिल्ली में आयोजित हुआ था एक समारोह, उसमें राष्ट्रीय महत्व के लिए स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार देश के लगभग 73 गीगावाट नवीकरणीय, ठीक है, रिन्यूएबल जो ऊर्जा है उसको स्थापित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारे जो नवीकरणीय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उसके द्वारा उसके लिए उसको ये पुरस्कार दिया गया है। और इसकी ये दो डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसी भी परीक्षा में अगर मेंस वगैरह की परीक्षा आप देते हो और ये आपने डाटा लिख दिया तो बहुत काम आएगा आपके, और सीधे सीधे परीक्षा में ही प्रश्न बन सकता है कि विश्व में पवन ऊर्जा की क्षमता उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। तो याद रखिएगा, पवन ऊर्जा में हम चौथे स्थान पर हैं, फोर्थ रैंक है हमारी है। और जबकि विश्व में स्थापित कुल जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें भारत में हमारा पांचवा स्थान है। टोटल जो नवीकरणीय ऊर्जा है, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो सोलर विंड ऊर्जा हो, और भी जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, उसमें हम पांचवें स्थान पर ओवरऑल, और पवन ऊर्जा में हम चौथे स्थान पर हैं। ये दो डाटा बड़े इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम 10वें प्रश्न की कि सार्वजनिक परिवहन मुफ्त करने वाला, मुफ्त नहीं है एक्चुअल में, ये मुफ्त है, फ्री मुफ्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनेगा? तो ये छोटा सा देश है यूरोप का, जिसका नाम है लग्जमबर्ग। ए ऑप्शन सही है। लग्जमबर्ग अपने यहाँ क्या करने वाला है? पूरी तरीके से जो सार्वजनिक परिवहन है उसको फ्री करने वाला है। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है कि जो लग्जमबर्ग है, सभी सार्वजनिक परिवहन मुफ्त करने वाला दुनिया का पहला देश बनने के लिए तैयार है, और 2020 में इस कदम को पूरी तरह से लागू कर देगा। इसका उद्देश्य क्या है कि पर्यावरणीय मुद्दे और यातायात की भीड़ की जो समस्या है उसको समाप्त करना। इससे पहले लग्जमबर्ग ने क्या किया था, 20 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे उन सभी के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा वहां पर शुरू कर दी थी। अब बात करेंगे लग्जमबर्ग की, लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है, प्रधानमंत्री है कि जेबियर बैटल, मुद्रा यूरो है, और 1 यूरो के अंदर लगभग 81 इंडियन रुपीज होते हैं। चलिए मैप में मैं आपको अब लग्जमबर्ग दिखाता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से लग्जमबर्ग आपको जाना है तो यूरोप जाइए, यूरोप के लिए पश्चिम की तरफ मूव कीजिए, और पश्चिम में आप जाएंगे तो ये देखिए ये यूरोप है, और यूरोप में यहाँ पर देखिए ये बेलारूस है, बेलारूस के पास बेल्जियम है, ठीक है, बेल्जियम है, बेल्जियम के पास आप देखेंगे तो ये छोटा सा देश है लग्जमबर्ग। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, छोटा सा देश है ये, इतना सा देश यहाँ पर आप देखिए, ये है लग्जमबर्ग, जो आसपास घिरा हुआ जर्मनी से एक तरफ है, एक तरफ बेल्जियम है, नीचे की तरफ देखेंगे तो आप फ्रांस है, राइट। तो यहाँ पर है लग्जमबर्ग, जो अपनी तरह से पूरी तरह से जो सार्वजनिक यातायात है उसको फ्री करने वाला है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है 11वां प्रश्न कि किसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों, ठीक है, CESCR, इस पर संयुक्त राष्ट्र की समिति है, उसका संयुक्त समिति का एशिया प्रशांत सीट के लिए चुना गया है। तो ये भारतीय हैं और इनका नाम है प्रीति सरन। बी ऑप्शन सही है, प्रीति सरन को चुना गया है इसके लिए। अब इनकी डिटेल देख लीजिए क्या है, पहली चीज कि किसे और क्या बनाया गया है, क्या क्यों चुना गया है। तो 6 दिसंबर 2018 को प्रीति सरण को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर जो संयुक्त राष्ट्र की समिति है उसमें एशिया प्रशांत सीट के लिए इनको चुना गया है। कौन है ये? तो 1982 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं, और इनके बारे में मैंने जानकारी किया है कि ये उन विशेषज्ञों की 18 समिति के लिए चुनी गई है जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र जो होता है उसका किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जा रहा है, यानी उनके इम्प्लीमेंटेशन क्या है उसको वॉच करने का, नजर रखने का काम करती है। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क शहर के अंदर मुख्यालय है, महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, और सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 193 देश इसके सदस्य हैं। आधिकारिक भाषाओं की बात करें, 6 आधिकारिक भाषा हैं, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। अब बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की, जो कि है 12वां प्रश्न कि जर्मन वॉच के द्वारा, एक संस्था है उसके द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 जारी किया गया है, और इसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत की स्थिति इसमें अच्छी नहीं है, भारत को इसमें जो है 14वें स्थान पर रखा गया। सी ऑप्शन सही है, भारत इसमें 14वें स्थान पर है।
जितना कम है उतनी कंडीशन बुरी है, याद रखिएगा इसका, जितना कम उतनी कंडीशन बुरी जलवायु के मामले में। इसकी डिटेल देखिए कि क्या एक स्वतंत्र विकास संगठन है जर्मन वॉच, उसके द्वारा हाल ही में जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 जारी किया गया है, और भारत पिछले 20 वर्षों की जलवायु की जो घटनाएं हुई हैं उनके आधार पर 14वें स्थान पर इसमें रखा गया है। कैसे तैयार किया जाता है? इसके अंदर जो है मौत, आर्थिक नुकसान के जो मामले होते हैं, तूफान आती है, बाढ़ आती है, भयंकर जो गर्मी होती है, या और भी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, मौसमी खासकर जो घटनाएं होती हैं उनकी वजह से जो कुछ भी होता है, जो प्रभाव पड़ता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। अन्य पड़ोसों के देश की बात करें तो म्यांमार इसमें तीसरे स्थान पर है, बांग्लादेश 7वें पे है, पाकिस्तान 8वें पे है, और नेपाल 11वें पे है, और भारत किस पे है? भारत 14वें नंबर पर इस मामले में है। अब बात करेंगे 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है कि किस सरकार द्वारा 77,000 वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई है? तो मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना जो शुरू की गई है 77,000 नागरिकों के लिए, ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई। तो डी ऑप्शन इसका सही है, दिल्ली योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा इसका नाम योजना है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार की योजना सबसे पहले शुरू की गई थी। इसकी डिटेल देख लीजिए, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और इन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। 60 साल से प्लस के जो भी नागरिक होंगे, 3 दिन और 2 रात की ये योजना है जिसमें तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसमें दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्येक से 60 वर्षों से अधिक के 1100 वरिष्ठ नागरिक मुफ्त तीर्थ यात्रा कर सकेंगे, यानी कुल 77,000 नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। कल का जो हमने प्रश्न पूछा था कि इसरो की स्थापना किब की गई थी, तो बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, और मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी जो मेहनत है उसकी वैल्यू करते हैं। 15 अगस्त 1969 इसको इसकी स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की कि नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये आंसर मुझे आप कमेंट करके जरूर 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 बताइएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।